हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त नेहा। आयुर्वेद ब्यूटी विद नेहा में आपका स्वागत है। आज मैं आपको दिखाऊंगी घर का ही एक ऐसा पैक जो आपकी सांवली स्किन को गोरा कर देगा। जी हाँ, आज मैं यही बोल रही हूँ जो आप सुन रहे हैं, सांवली स्किन को गोरा कर देगा। वैसे तो मार्केट में भी इस तरह के बहुत सारे ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं, जैसे कि इंजेक्शन, क्रीम, टैबलेट, ग्लूटाथायोन, एंड इनके बारे में भी मैंने आपको कई बार बताया भी है। लेकिन ये सभी ट्रीटमेंट इतने महंगे होते हैं कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो चलिए आज मैं आपको घर का ही बना हुआ ये बढ़िया सा पैक दिखाऊंगी। डेली बनाने की भी जरूरत नहीं है, इसके बहुत सारे प्लस पॉइंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको इसका रिजल्ट भी दिखाती हूँ। इसके मैं आपको दो स्टेप बता रही हूँ, इन दोनों ही स्टेप को आपको फटाफट से फॉलो करना है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है। आपको डेली बेसिस पर नहीं बनाना है तो आप इसको जरूर ट्राई कीजिए। तो इस पैक को बनाने के लिए, जिसको आप बनाकर रख सकते हैं, ये लाल वाली टूटी हुई मसूर की दाल आती है मार्केट में, आपको इजीली मिल जाएगी। तो लाल मसूर दाल, उसी के साथ एक कटोरी चावल, एक कटोरी दाल और एक कटोरी हमने लिए हैं चावल। और ये है मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी आपको पाउडर फॉर्म में भी मिल जाती है, यदि पाउडर फॉर्म में नहीं मिलेगी तो आप इस तरह से ले लीजिए। इसको बस आप थोड़ा सा पहले किसी भी चीज़ से कूट लीजिए और उसके बाद ही इसको हम पीसेंगे। एंड ये है घर का ही बना हुआ ऑरेंज पील, यानी जो ऑरेंज के छिलके होते हैं, संतरे के छिलके, उसको सुखाकर उसका पाउडर बना लीजिए। यदि संतरे के छिलके आप पर नहीं हैं तो आप ऑनलाइन भी इसको परचेज कर सकते हैं, अमेज़ॉन पर आपको मिल जाएगा ऑरेंज पील। लेकिन इसको मिक्सी में चलाने से पहले कूट लें। ये देखिए हमारा कितना बढ़िया पाउडर फॉर्म में ये पैक तैयार हो गया है। अब बस इसमें मैं ऐड करूंगी थोड़ा सा दूध और इसको आप इस तरह से एक डब्बे में भर के रख सकते हैं। हो सके तो कच्चा दूध ही इस पर अप्लाई करें, नहीं है तो बस ठंडा दूध डाल लें। तो फर्स्ट यूज के लिए ये है हमारा पैक और इसको आपको नॉर्मली अप्लाई कर लेना है अपने फेस पर। ये पूरी तरह से लग चुका है, इसको मैं छोड़ दूंगी सूखने के लिए। तो ये देखिए सूख गया है अच्छे से, तो इसको नॉर्मल वाटर से वॉश कर लेते हैं हम और आपको रिजल्ट इंस्टेंट नज़र आने लगेंगे। जो भी आपका टोन है वो डेफिनेटली आपको लाइटर लगेगा पहले से, और यदि आप डेली यूज़ करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे और 100% रिजल्ट मिलेंगे। तो इस फेस पैक का आपने रिजल्ट देखा, मैं आपको बताती हूँ सेकंड स्टेप में हम लेंगे बस दो बूंद दूध। दूध तो हर किसी के आपको इजीली मिल ही जाएगा, बस ये देखिए। और इसमें ये है विटामिन ई का कैप्सूल, ये बहुत ही सस्ते मिलते हैं मार्केट में। बस ये आपको मिक्स करना है इस तरह से, एक क्रीम या लोशन की तरह। और इसको अच्छे से हल्के हाथ से मसाज कर लीजिए। एंड फिलहाल तो इसको नहीं धोना है, आप इसको छोड़ दीजिए। लेकिन यदि आपको कुछ अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, वैसे तो नहीं होता है मोस्टली लोगों को अनकंफर्टेबल, लेकिन कुछ लोगों को होता है, थोड़ा चिकना चिकना लगता है या कुछ थोड़ा सा अनकंफर्टेबल, तो आप बाद में अपने फेस को वॉश भी कर सकते हैं लगभग आधे घंटे के बाद, या फिर आप थोड़ी देर जब ये सूख जाए, सूख तो ये फास्टली जाता है, जैसे एक क्रीम सूख जाती है तो वैसे अनकंफर्टेबल नहीं लगेगा। लेकिन यदि आपको लग रहा है तो आप रात को ये स्टेप ट्राई कर लीजिए और उसके बाद सुबह मॉर्निंग में वॉश कर लीजिए या फिर एक घंटे बाद वॉश कर लीजिए। तो दोनों ही स्टेप मैंने आपके सामने करके दिखाया है एंड आप मेरी स्किन टोन में खुद से चेंज, जब मैंने वीडियो स्टार्ट किया था तब एंड अब आपको इमीडिएटली रिजल्ट मिलेगा। जिसके मैंने आपको बोला भी था कि आजकल मेरी स्किन टोन थोड़ी सी डल हो रही है, तो आपको ये अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज जरूर लाइक करें, शेयर करें और नए हैं चैनल पर तो घंटी दबाकर जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक आ पाए। चैनल का क्या नाम है? आयुर्वेदा ब्यूटी विद नेहा।